वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हमारे रूम से, हमारे जो हमारा होटल का रूम है। और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत शानदार है। खिड़की खोलते ही आपको एक काफ़ी अच्छा सा गार्डन व्यू मिलेगा और उसके सामने है हमारा क्लिफ पॉइंट जो कि बहुत ऑसम है। यहाँ से हम जाने वाले हैं फर्स्टली, जैसे हम लोगों ने अराइव किया होटल में, यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले वर्कला के जो मेन बीच है, क्लिफ का बीच, वहाँ जाने के लिए हम नीचे जाते हैं। गाइस पीछे देखो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, हमारा जो होटल है उसके प्राइवेट बीच पे, जो कि बोला हुआ है पर हमें लगता नहीं है कि प्राइवेट है। बट ये जो रास्ता है वो बहुत शानदार है क्योंकि होटल की क्लिफ से हम लोग नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं और मतलब अभी सामने ही हमारा बीच है। और लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था बाली का, वो सेम एज मुझे इसी में फील हो रहा है। सो आई सजेस्ट कि अगर थोड़ा सा मतलब आपका बजट की प्रॉब्लम ना हो तो आप इस होटल को कर सकते हो, क्योंकि सर्विसिंग मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी, उसके साथ में जो लोकेशन है वो बहुत शानदार है। तो अभी ये आप देख रहे हैं पूरा क्लिफ का पॉइंट है और सामने है हमारा बीच और होटल से ये पूरे रास्ता जाते हुए है। पूरी एक छोटा सा टर्नल आया था वहाँ से पूरा क्लिफ एंडिंग पॉइंट है। और ये जो लोकेशन लग रही है ना, मुझे ऐसा बाली की याद आ गई। स्पेशली मतलब अगर कोई केरला जाता है ना भाई, उसको ये सीन नहीं मिलने वाला। लोकेशन अच्छी है, लोग काफ़ी कम है और एक्साइटिंग प्लेस है। काफ़ी शार्प वेव्स भी नहीं है यहाँ पर, हम आराम से स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। और उसके साथ में बहुत एक्टिविटी था। शोयू के पीछे हमारा बीच है, हम लोग बस थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और मतलब अभी ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम केरला आए थे और इस टाइप का बीच पहली बार देखे, क्योंकि केरला के जो बीचेस हैं, मतलब कोची के बीचेस और बाकी के बीचेस, वो सारे इतने ज़्यादा गर्टी हैं ना, सो हमें मज़ा ही नहीं आया। बट ये बीच काफ़ी अच्छा है और आई सजेस्ट कि अगर आप ना केरला आते हैं और प्लान बनाते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बीच ना मुझे बाली जैसा फील देता है, जो कि बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं हूँ अभी जो क्लिफ है उस क्लिफ के टॉप पर और इतनी ज़्यादा धूप है ना यहाँ पर, बट जो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार है। पीछे है हमारा होटल, पूल वगैरह जहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह लिए। और जो मेन पॉइंट है यहाँ किस लोकेशन का, वो ये है, आपको शो दिखाता हूँ। ये जो व्यू है ना, इतना शानदार है ना इस क्लिफ से, आई थिंक इस होटल में चार चांद लगा देता है। सो अकॉर्डिंग टू मी विद टॉप क्लास एमिनिटीज़, ये होटल काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा भी है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्कला, यू कैन जस्ट चूज़ दिस बीच एंड होटल। आ चुका हूँ वर्कला की मार्केट में। सो यू कैन से कि इस मार्केट में आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और अभी आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इन गोवा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर काफ़ी फॉरनर्स भी हैं, यहाँ पर काफ़ी नाइट पार्टीज़ भी होती हैं और सेलिब्रेशंस भी काफ़ी हैं यहाँ पर। इसी लाइन में आप जब आगे जाओगे तो आपको काफ़ी होटल्स भी मिल जाएंगे, शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और ये पूरी लोकेशन क्लिफ पे बनी हुई है, वर्कला का जो मेन बीच है उसके लोकेशन पिंक किया हुआ है मैंने, सेकेंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक इट आउट, दिस वर्कला मेन बीच। टाइम फॉर इवनिंग और ऑल अराउंड हम लोग अभी सनसेट के लिए बैठे हुए हैं हमारे क्लिफ पॉइंट पर। यही हमारा होटल का क्लिफ पॉइंट है, यहाँ पर और भी क्लिफ पॉइंट्स हैं जिस पर जाके आप सनसेट देख सकते हैं, बट ये जो क्लिफ पॉइंट है वो शानदार है। और अभी हम आए हुए हैं 6:30 अराउंड होने वाले हैं हमारे, और सनसेट का टाइम है और बहुत शानदार दिख रहा है। नीचे हमारा बीच है, हम क्लिफ पर हैं और क्लिफ के साइड से जो सीन है ना, मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं इस क्लिफ से इस टाइम पे सनसेट ऐसे देख रहा हूँ, मतलब इतने रिलैक्सेशन से। और हमारा होटल जस्ट पीछे है, यू कैन सी कि ये है होटल का पूरा व्यू जो कि एक्चुअल में बहुत शानदार है। आई शो यू कि ये पूरा नीचे का पूरा बीच है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मेरा वन डे एक्सपीरियंस होगा स्कूबा डाइविंग का, माई फर्स्ट स्कूबा डाइविंग इन साउथ केरला।